तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भीम यूपीआई में अकाउंट या आईडी कैसे बनाते हैं, बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, पैसा कैसे भेजते हैं और कैसे आप इस एप्लीकेशन से अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिया है, वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुली इस एप्लीकेशन में अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है एंड लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे अलाउ मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी अलाउ मांगेगा आपको यहाँ पे अलाउ दे देना है। अब आपका बैंक अकाउंट जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक है उस बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए आपको उस नंबर को सिलेक्ट करना है जो नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। तो आपको यहाँ पे एयरटेल लिंक है तो आपको यहाँ पे एयरटेल को सिलेक्ट करना है या फिर कोई भी नंबर लिंक है तो उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पे वेरीफाई स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। अब आपका यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, इसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी को डाल देना है एंड ओटीपी को डालने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से पासवर्ड सेट करने के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना है, जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यही आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, आप इस पासवर्ड को डालेंगे तभी आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना है, इसके बाद उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे नीचे की साइड में डाल देना है। पासवर्ड को सेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे सही टिक मार्क पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वेट करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यदि आप यहाँ पे वॉइस कन्फर्मेशन इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर देना है एंड इना करने बाद दोस्तों आपके यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेंड टू मोबाइल यूपीआई या फिर सेंड टू बैंक। तो दोस्तों आप यहां से अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट से किसी के भी पास ट्रांसफर कर सकते हैं, बट दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको यहां पे सबसे पहले ऊपर की साइड में अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है एंड प्रोफाइल पे क्लिक करने बाद दोस्तों यदि आपका बैंक अकाउंट पहले से वेरीफाई रहेगा तो आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट दिखाई देगा, नहीं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड बैंक अकाउंट, आपको सिंपली ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करिएगा एंड सर्च बार पे क्लिक करने बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है जो भी आपके बैंक अकाउंट का नाम है। तो यहाँ पे जैसे सर्च कर लेता हूँ, तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको भी सर्च कर लेना है एंड सर्च करने बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करने बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वेट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट के आगे सही टिक मार्क का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे कंफर्म करने के लिए पूछेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है एंड यस पे क्लिक करने बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने बैंक अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको यहां से बैक आ जाना है। अब दोस्तों आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा चेक बैलेंस का, आप इस पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्यूआर कोड का, आप इस पर क्लिक करके क्यूआर कोड स्कैन करके किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, नीचे आने बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फास्ट टैग, आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ से अपने बिल को पेमेंट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। अब दोस्तों यदि आपको इस एप्लीकेशन से अर्निंग करना है तो सबसे पहले आपको 100 रुपये किसी को सेंड करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये किसी को सेंड करते हैं तो दोस्तों आपको 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये का कैशबैक ऑफर या फिर कैशबैक तुरंत मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप पैसे सेंड करके कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।